मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनी दीपा। गुड इवनिंग। और अभी शाम का टाइम है, मैं अपने ससुराल में ही हूँ और मैंने आप लोगों से कहा था कि माँ के कुछ क्लिप्स हैं पहले के शूट किए हुए जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मनसा पूजा हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था अपने घर पर, तो उसकी जो कुछ क्लिप्स थे वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मनसा पूजा के दूसरे दिन हम लोगों ने किस तरह से सेलिब्रेशन किया था। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। और अभी टाइम है सुबह का और मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। और कल थी मनसा पूजा, तो आज मनसा पूजा का पारण है और पारण के दिन बनता है स्पेशल कुछ खाना। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू चॉप और तीन अंडे बॉयल होने के लिए दिए हैं मैंने, एक माँ के लिए, एक किशन के लिए और एक मेरे लिए। तो उन अंडों को ऐसे ही नहीं खाऊँगी, उनका भी चॉप बनाऊँगी। तो आलू चॉप का जो मसाला था वो मैंने सुबह सुबह ही प्रिपेयर कर लिया था, थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद आलू चॉप बनाने से ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यही प्लानिंग थी बनाने की, इसलिए मैंने पहले ही प्रिपरेशन करके रखी थी। और अभी मैं बना रही हूँ आलू चॉप और अंडे भी बॉयल्ड हो रहे हैं, जब बॉयल्ड हो जाएंगे तो उनको भी चॉप ही बनाना है। तो इसी तरह से बन रहा है। और मनसा पूजा का आज पारण है, तो बहुत लोगों के यहाँ बहुत तरह की चीज़ें बनती है, बट हमारे यहाँ यही बन रहा है। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो इस तरह से, और ये अंडा चॉप बना रही हूँ मैं, और आलू चॉप से भी ज़्यादा किशन और माँ दोनों को ही अंडा चॉप बहुत पसंद है। मुझे आलू चॉप और अंडा चॉप दोनों ही अच्छा लगता है, तो इसलिए दोनों ही बनाया है। और देखते हैं कैसा लगेगा आज का टेस्ट। और मैंने इसको सर्व किया है एक लड्डू और कासुंदी और टमाटो सॉस के साथ। तो इस तरह से डेकोरेट मैं कर रही हूँ क्योंकि किशन को अगर सजा के प्लेट दिया जाए तो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। और अभी जाऊंगी और दूंगी उनको, और माँ के लिए भी हो चुका है सबको। हम लोग तीनों साथ में नाश्ता करेंगे अभी। और अभी किशन ने निकाला है ये मटन फ्राई और हम लोग सबको ये मटन फ्राई एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि मनसा पूजा जिनके यहाँ भी होता है मटन जरूर बनता है सेकेंड डे, ये एक स्पेशल होता ही होता है। तो हमारे यहाँ भी है और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई, और किशन बना रहे थे मटन और चावल वगैरह मेरा बन चुका था। और माँ की आवाज़ मैंने यहाँ पे रहने दी है क्योंकि माँ को हिंदी बोलना नहीं आता था, वो बंगला ही बोलती थी। और माँ की याद के लिए मैंने उनकी आवाज़ को इसमें डाल दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा माँ की आवाज़ से। माँ इसमें कह रही हैं कि सब लोग इस तरह से खाइए पिए, खुश रहिए, सब लोग स्वस्थ रहिए, और सबके लिए वो अच्छा बोल रही हैं इसमें। और बस हमारा मटन बनने ही वाला है, फिर हम लोग सर्व करेंगे खाना। और बहुत कुछ नहीं बनाया है, थोड़ा बहुत ही बनाया है चावल और चटनी वगैरह, क्योंकि मटन के साथ और कुछ नहीं खाना है। और अभी हम लोगों ने टिकट बुक करवाया है मूवी का, तो मैं और किशन जा रहे हैं। माँ से भी पूछा था जाने के लिए, बट माँ ने कहा कि नहीं, खाना खाने के बाद मैं रेस्ट करूँगी, तुम लोग जाओ। तो फिर हम लोग अभी जाएंगे मूवी देखने। तो बस फटाफट बन रहा है लंच और लंच करने के बाद हम लोग निकलेंगे। तो इसी तरह से चल रहा है आज का दिन। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि मैं ससुराल में हूँ, तो मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही है एडिटिंग के लिए जहाँ बिल्कुल शांत हो। आपको बैकग्राउंड में कुछ कुछ साउंड सुनाई पड़ रहा होगा, इसके लिए आई एम सॉरी, इसको इग्नोर कीजिएगा। और मैंने बनाया है चावल, चटनी, मैंगो है, थोड़ा सा प्याज काटा है, तो बस पापड़ है, यही है हमारा आज का लंच। गुड आफ्टरनून। और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं घड़ी पे, और मैं और किशन निकल रहे हैं मूवी देखने के लिए क्योंकि स्त्री 2 लगा हुआ है और बहुत दिनों से सोच रही थी कि जाऊंगी देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं और किस तरह की मूवी है वो भी शेयर करूंगी। माँ घर पर है, मैं और किशन ही जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। और हो गया हमारा मूवी देखना और स्त्री 2 हम लोगों ने देखी और बहुत मज़ा आया, बहुत ही इंटरटेनिंग फिल्म है।
और स्टीवन भी मैंने देख रखी थी तो मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। किशन ने नहीं देखी थी तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ रहा था उनको, बट मज़ा आया। और फिर हम लोग लेकर आए माँ का फेवरेट गोलगप्पा, क्योंकि हम लोग जब भी बोकारो जाते थे तो बोकारो का गोलगप्पा मम्मी को बहुत पसंद था, तो हम लोग लेकर आए थे और माँ खुश हो जाती थी गोलगप्पा देख के। तो माँ फिर रात में और कुछ खाएंगी नहीं, गोलगप्पा ही खाएंगी, तो माँ का प्लेट सजा रही हूँ मैं, ढेर सारा लेकर आई हूँ, हम लोग भी खाएंगे, बट पहले माँ के लिए यहाँ पर निकाल रही हूँ, माँ को दे दूँगी, उसके बाद फिर हम लोग खाएँगे। तो इसी के साथ मेरा आज का ये ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और फिर रात में हम लोगों ने बालकनी से देखी मनसा मूर्ति का विसर्जन, और आप देख सकते हैं लोग डांस कर रहे हैं एंजॉय करते हुए बिल्कुल, और मनसा मूर्ति का जो विसर्जन होता है वो हो रहा है, क्योंकि मेरे घर के पास से ही नदी के लिए रास्ता जाता है और नदी में ही प्रवाहित की जाती है मूर्ति को, तो सब लोग जा रहे थे तो हम लोग बालकनी से देख के एंजॉय कर रहे थे।